हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से एक धमाकेदार मशीन के साथ आपके सामने फिर मैं हाजिर हो गया हूँ। तो दोस्तों आप फिर से वीडियोस को पूरा देखो और आप मैं आपको फटाफट से आपको दिखाता हूँ अंदर क्या है ना। ये जो बॉक्स वगैरह खोलने के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो चलो जल्दी से अभी खोल के दिखाता हूँ मैं। ये अभी कट नहीं रहा, चाकू में धार भी कम हो गया यार। ये जो मज़ेदार चीज़ है ना, एक्चुअली देखो मशीन जो है ना वो तो मैं एक से एक दिखाते रहता, पर मेरा वीडियोस में ये जो रस्सी कटता है, कभी चाकू धार नहीं होता है, कभी ईंट काट के दिखाता हूँ, है ना। ये जो चीज़ें होता है ना ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो ये आपको देखना चाहिए। और ये मैं अभी ये सीन को मैं जल्दी से कट करता हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको जल्दी से अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है क्या है ना। लेकिन आप वीडियो को एक मिनट के लिए भी स्किप मत करो यार। मेरे अगर आप स्किप करते हो ना तो मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लगता। आप बस दो मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लो और प्लीज़ मेरे वीडियोस को पूरा देख लो। क्या अगर आप जब जितना ज़्यादा ऐसा फुल वीडियोस देखोगे ना तो उतना मेरे को अच्छा लगता है। आप वीडियोस को छोड़ देते हो तो मेरे को फिर बुरा लगता है यार, अच्छा नहीं लगता। इतना मेहनत से वीडियोस बनाते हैं ना। ये देखो, ये जब हमने बॉक्स को निकाला अंदर से तो ये उसके अंदर और एक बॉक्स निकला। मुझे लगता है एक्चुअली डबल बॉक्स देने का क्या मतलब, क्या मुझे लगता है डैमेज नहीं होता इस वजह से ना, थोड़ा सेफ्टी के लिए इसको डबल बॉक्स देता है ऐसा। और मशीन, ये जो मशीन है वो कॉम्बो पैक है, इसमें फोम कैन वगैरह साथ में आता है। अब देखते क्या जलवा दिखाता है ये मशीन। ओके, ये खाली बॉक्स है, इसमें कुछ नहीं है। इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ और ये बॉक्स हो गया उल्टा, इसको कर देता हूँ सीधा। तो ये है बॉक्स, ये देखो लुक वाइज तो बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है मुझे। काजर कंपनी का प्रोफेशनल कार वॉशर KSCW 140, ये इसका मॉडल नंबर है। चलो ये जो मशीन है अभी लॉकडाउन में नया लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों ये है काजर कंपनी का प्रोफेशनल कार वॉशर मशीन, ये देखो W140, ये देखो मस्त 2400 वाट का मशीन है। अब हम देखेंगे इसमें कितना प्रेशर है क्या है। मैं सोच रहा आज इससे ना ईट काट के दिखाऊंगा मैं आज आपको। ईट काटने से आपको पता चल जाएगा भाई इसमें प्रेशर कितना है क्या है। लेकिन आप सीधा है ना, वो कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि भाई आप अगर इस मशीन से ईट काट रहे हो तो फिर कार का तो मतलब वो जो बॉडी है वो तो कट जाएगा। पर उस बारे में आपको बताऊंगा, बस वीडियो का पूरा देखो तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पॉइंटेड करके मारना नहीं है, वो इसका प्रेशर कैसा एडजस्ट कर सकते हो, कैसा कम करके सिस्टमेटिक आप कार में स्प्रे कर सकते हो, मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो ये देखो, ये जो टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखो ये कितना पानी लेता है कितना है ना, ये उस बारे में डिटेल दिया हुआ है। 130 बार, हाँ यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है, ये देखो ये 130 बार लिखा हुआ है। ओके, और क्या अलोवेल क्या है वो स्ट्रेस 100-150 बार, पता नहीं कुछ तो प्रेशर के बारे में होगा जो भी है। ये मेन है 130 बार का है ये प्रेशर, ये मुझे लग रहा है जेन्युइन लिखा हुआ है कि 130 बार बोल के, नहीं तो कुछ लोग तो जितना बार होता है उससे डबल लिख देते हैं अमेज़न पे। ये देखो चारों ओर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। चलो तो देखता भी अंदर क्या क्या सामान है। इसके अंदर फोम कैन तो आना चाहिए ओरिजिनल वाला, जिससे प्रॉपर फोम होता ना वो, क्योंकि ये कॉम्बो पैक है, वो ये मशीन कॉम्बो पैक ही आता है साथ। हाँ ये देखो, ये फोम कैन का डब्बा तो कैन तो दिया है और अंदर पाइप है, मैं बाहर निकलता हूँ। ये इनलेट पाइप है, 1.5 मीटर के आसपास को जाता है ये पाइप। अरे इसका पाइप कैसे निकलेगा, हाँ ये निकल गया, ये चीज़ ऐसा लगेगा इसमें, ये देखा ये लग गया इसमें, हाँ ओ हो ये ज़बरदस्त। और साथ में ये क्विक कनेक्टर, ये देखिए ये जो सेट है ये हो गया, ये 1700 रुपये का रेडी हो गया, 1700 प्लस इसका 400 मतलब ये 2000 का फोम कैन रेडी हो। चलो ठीक है। और गन, हाँ ये देखो ये जो गन है ये भारी थोड़ा हाई क्वालिटी का दिया हुआ है, साथ में लोगों ने देखो ये बॉक्स के अंदर रॉड भी दिया है। कॉम्बो पैक का ये अच्छा खासियत है कि आपको हर चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है। देखो खोल के भाई आप चाहिए तो ऐसा एक्स्ट्रा इसको लगा सकते हो, ये लग गया एक्स्ट्रा रॉड, ये बाद में इसको आगे से ऐसा लगा दो ऐसा रॉड। और ये अगर आप बाल्टी वगैरह यूज़ कर रहे हो तो ये वाला फिल्टर लगा सकते हो। और ये इनलेट पाइप का कनेक्टर, ये देखो ये फिल्टर दिया हुआ है इसको ऐसा, ये कनेक्टर इसमें से इनलेट पाइप लग जाएगा और ये मशीन में लग जाएगा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ मशीन निकलने से पहले, ये देखो ये है क्विक कनेक्टर होस पाइप के लिए, ये देखो ये लग गया क्विक कनेक्टर। देखो आप चाहे तो इसको ऐसा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा गन में लगा दो ये ओके ये देखो ये लग गया। तो आप जो है ये कंपनी वाले ने एक ही दिया है, दो देता तो ज़्यादा अच्छा होता, आप गन पे भी लगा सकते थे और दूसरा साइड मशीन में भी लगा सकते थे। ये देखो ये ऐसा लग जाता है,
मैं काम करूंगा, ये जो सिंगल पीस मशीन के साथ दे रहा है तो ये और एक एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा, अगर आपको चाहिए तो ऐसा, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो ये वाला मैं काम करूंगा, ये साइड लगाने के लिए, मशीन में लगाने के लिए, वो भी मैं अलग से दे दूंगा, एक्स्ट्रा लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर एक क्विक कनेक्टर खरीद सकते हो। तो इसको एक क्विक कनेक्टर कैसे देखो, बार बार आपको ये वाला जो है ना, ये आपको मशीन गन में लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको खींचो, हाँ ये देखो ये अलग हो गया, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये लग गया और फिर से ये अलग हो गया, बिल्कुल एकदम आसान जो इसके साथ आता है। और ये फाइनली मशीन, ओके, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, हाँ ये काफ़ी लंबा है, अरे वाह, ये एक अच्छा काम हो गया, मुझे लगता है कितना है, 3 मीटर होगा क्या, 1 2 हाँ 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 3 मीटर के आसपास, 2.5 मीटर ऐसा है ये, तो ये अच्छा है, और का थोड़ा सा लंबा दिया है इस मशीन में, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको असेंबल करता हूँ, असेंबल करने के लिए एक काम करेंगे, क्विक कनेक्टर में एक काम करूँगा, गन के साइड डायरेक्टली थ्रेड लगाऊंगा, मैं मशीन की तरफ लगाऊंगा एक क्विक कनेक्टर, ये देखो आप चाहे तो सीधा ये पाइप जो है ये सीधा मशीन में लगा सकते हो, सॉरी कौन सा साइड, ये देखो सीधा ये मशीन में ऐसा पाइप लगा सकते हो, बार बार थ्रेड खोलो निकालो, पर मैं क्या करूँगा ये वाला कनेक्टर सीधा मशीन के पास ही लगा के रख दूंगा, ये देखो, चलो ठीक है, ओके, तो दूसरा साइड जो है इसको हम ऐसा इसमें लगा देंगे, बात नहीं मैंने हाथ से टाइट कर दिया है, ये देखो ये लग गया, और ये एक सेकंड के अंदर अपने होस पाइप को इसे लगा दिया, देखो ये लग गया, इसको खींचा तो भी नहीं निकलेगा, लेकिन ये घूमेगा इसे गोल गोल घूमेगा, पर वो निकलेगा नहीं और लीकेज भी नहीं होता, ये एक चीज़ अच्छा बात है। और दूसरा जो साइड है हम इसको गन पे यहाँ पर लगा देंगे, ये लग गया, और अभी आज मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा एक्सटेंशन जो एक्स्ट्रा जो रॉड है एक्सटेंशन रॉड, इसको मैं लगा ही देता हूँ, आज मैं फुल वीडियो बनाऊंगा इस एक्सटेंशन रॉड के साथ, मैं ज़्यादा टाइम बनाता नहीं ऐसे रॉड के साथ, पर आज बनाऊंगा, उसको बाद में आप आगे से एडजस्टमेंट ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और ये है इनलेट पाइप कनेक्टर, ये देखो ये यहाँ पर लग जाएगा, ये हम इसको कैसा करेंगे, इसको अभी निकल देता हूँ मैं, जैसे कि आप अगर बाल्टी से ले रहे हो या तो बाथरूम में किसी नल से ले रहे हो, तो अब इसको ऐसा करना है, देखो ये जैसे कि ये इनलेट पाइप है, इसके अंदर ये डालना है, इसको ऐसा कनेक्ट करना है, पर मैं तो घर के अंदर सालक पाइप से लेके आऊँगा, तो मेरे को ये वाला जरूरत नहीं पड़ेगा, ये पाइप की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये कनेक्टर का जरूरत है, पर ये पाइप मैं अलग दूसरा लगाऊंगा, ये देखो ये हो गया, ऐसा कट करके आवाज आएगा, ये लग गया, तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, देखो ये जो कनेक्टर देता है ये वाला, ये आपने लगा दिया यहाँ पर, ये क्विक कनेक्टर यहाँ पर लगा दिया, आपको फोम वॉश करना है, ये देखो ये फोम वॉश रेडी, और ये नॉर्मली 500 वाला नहीं, 2 रुपए वाला चीज़ नहीं है, ये सस्ता वाला नहीं है, सही क्वालिटी का है, 100 डिस्पेंसर नहीं है, वो प्रॉपर फोम है, सही फोम निकलेगा इसमें से, मैं काम करूँगा और कभी एक दिन मतलब कुछ दिन बाद इस पर भी एक फोम वॉश वाला एक वीडियो बना दूंगा। ये देखो ये मैंने घर के अंदर से पाइप लेकर के आया हूँ, ये देखो ये घर के अंदर से आया है, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने बाथरूम के अंदर से कैसा ये पाइप लेके आता हूँ, चाहे तो आप भी ऐसा कर सकते हो, एक्चुअली मल्टीपल तरीका है मशीन में पाइप लगाने का, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ऐसे ही लगाना है बोल के, क्योंकि बहुत लोगों का तो इतना बड़ा पाइप भी नहीं होता, कुछ लोग ऐसे बाल्टी में पानी लेकर के कार के पास आकर के ये बाल्टी के अंदर डाल देता है ये वाला साइड, और दूसरा साइड मशीन में लगा देता है, ऐसा भी आप कर सकते हो। ये सेल्फ प्राइमिंग सिस्टम है, मतलब मशीन खुद से ही पानी अंदर खींच लेता है, आपको ऐसा प्रेशर एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से टंकी से ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है, मशीन खुद से ही खींच लेगा। ये मैं कनेक्शन कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखो, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कनेक्ट खोल के, ठीक है, ये देखो ये ऐसा कनेक्ट हो गया, और इसका जो दूसरा साइड है ये वाला कैप, ये हम इसको ऐसा लगा देंगे, ये लग गया, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का सीन कि अंदर मैंने कैसे लिया है। ये देखो ये पाइप गया अंदर, ये अंदर गया, ये देखो ये जो पाइप का जो है एक साइड, आप चाहे तो सीधा ऐसा गमले में डाल करके नल से लगा सकते हो, तो सीधा आप ऐसा नल पे ऐसा कनेक्शन कर सकते हो एक्स्ट्रा टोटी लगा के, है ना, या तो आप ऐसा कर सकते हो, ये देखो ये अंदर यहाँ पर डाल सकते हो, मैं यहाँ पर डालता हूँ, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ऐसा छोड़ देता हूँ इसके अंदर ही ये मेरा स्टाइल है एक्चुअली, इसको मैं ऐसा अंदर डाल दिया, बस वो पाइप ऑटोमेटिकली पानी खींच लेगा, ये देखो ये ऑटोमेटिकली पानी खींच लेगा। दूसरा बात यह है कि देखो जितना पानी इसमें से खींचते जाएगा, कम होता जाएगा पानी, उतना पानी ऑटोमेटिकली यहाँ से भरते जाएगा, मतलब यहाँ से ओवरफ्लो तो होता नहीं, आपको भी पता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है, वो इस वजह से मैंने यहाँ से लेता हूँ, टेंशन नहीं है। तो मैं अभी इसको पावर कॉर्ड यहाँ पर लगा देता हूँ, चलो अच्छा आज मेरे थोड़ा आसान हो गया, यहाँ पर सीधा पहुँच गया, नहीं तो बाकी टाइम में मुझे एक्सटेंशन लेना पड़ता है। और इसको कैसा करेंगे, इसको ऐसा डाल देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है, ये इनलेट पाइप यहाँ से आ रहा है और ये वाला प्रेशर पाइप यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, मशीन चालू करने से पहले इसको निकाल देंगे, ये रॉड निकाल देंगे, थोड़ा अच्छे से थोड़ा हवा वगैरह निकल जाएगा, उसके बाद ही हम इसको नोजल को लगाएंगे आगे से,
चलो ये गन को पहले दबाना है, उसके बाद ही स्विच ऑन करना है। ये दबा के रखा मैंने गन को। वाह मशीन, अरे इसको मैं पहले बंद करता हूँ। मशीन भाई बिल्कुल साइलेंट, एकदम साइलेंट मोटर है। मतलब मेरे को मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरा जो कार है ना जो एकदम साइलेंट, आपको पता आजकल कार भी एकदम बिल्कुल आवाज़ ही कम देता है, पता नहीं चलता कभी कोई चालू है कि नहीं है। तो मेरा कार जितना आवाज़ देता है ना एकदम बिल्कुल ऐसे धीरे से आवाज़ दे रहा है बिल्कुल एकदम। ये तो मेरा माइक यहीं पर है ना तो आपको शायद सुनाई दे रहा होगा, पर आप ज़रा सा दूर जाकर आपको सुनाई भी नहीं देगा, बिल्कुल साइलेंट मोटर है एकदम। ये अच्छा लगा मुझे, मुझे लगता है जब अंदर प्रेशर बिल्ड होगा तो हल्का सा आवाज़ बढ़ सकता है, पर फिलहाल जैसे मशीन नॉर्मल मोटर अगर चल रहा है तो एकदम आवाज़ कम है यार, साइलेंट मोटर बिल्कुल। हाँ अब पूरा पानी पूरा जो है ना अंदर जो भी हवा था वो निकल चुका है एकदम, अभी परफेक्ट है ये देखो, अब ये रेडी है। अब हम इसको लगाएंगे नोजल, यस। अब देखते कैसा प्रेशर होता है भाई, मुझे तो डर लग रहा है। ओहो हाथ हाथ रखने से पहले थोड़ा स्प्रेड कर लेता हूँ, शिट स्लीपी हो गया पूरा नीचे। अरे भाई धुआंधार प्रेशर, एकदम धुआंधार प्रेशर। देखो मैं आपको ये साइड में भी दिखाता हूँ, ये देखो ये देखो, जबरदस्त पावरफुल पावरफुल भाई। मतलब एक्चुअली प्रेशर की वजह से ना जो पानी का जो स्प्रेड है ना वो बिल्कुल एकदम मतलब हवा बन जाता है, इतना मतलब प्रेशर है इसमें। देखो कैसा हो रहा है, शिट हाथ पूरा जल जाता है। एक्चुअली ऐसा कभी पॉइंटेड करके आपको अब तो रख ही नहीं सकते, ऐसा अगर पॉइंटेड हो जाएगा ना, देखो ऐसा ऐसा करके आप सामने हाथ रख ही नहीं सकते, इतना प्रेशर है ऐसा ऐसा स्प्रेड करके आप रख सकते हो। तो आज का मेन टॉपिक क्या है, हम इससे आज ईंट काट के दिखाएंगे, देखते इसमें ईंट काटता है कि नहीं। तो दोस्तों ये रहा ईंट, ये देखो ये सीमेंट का ईंट है, ये जो न्यू रायपुर में जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग है सब इसी ऐसा सीमेंट का ब्लॉक वाला ईंट से ही बना हुआ है। ये जो नया जहाँ पर मैं घर पे रहता हूँ यहाँ पर, तो आजू बाजू ऐसा वाला ईंट बहुत सारा है, तो मैं सोचा ये ऐसा काट के बताऊँ, पता नहीं काटेगा कि नहीं मालूम नहीं। अब देखते नीचे रखता हूँ और उसके बाद मशीन से मारेंगे प्रेशर, काटना तो चाहिए जितना प्रेशर है उससे, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा इस तरह का काट के दिखाया हुआ है। अरे पाइप थोड़ा सा इधर ये हो गया, सब मिक्सअप हो गया पाइप यहाँ पर, मैंने सीधा करके नहीं लिया था इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, पाइप भी थोड़ा इसका लंबा लग रहा है मुझे, 10 मीटर है लगता है, 8 या 10 मीटर, 10 मीटर तो होगा लगता है, काफ़ी लंबा पाइप है वो। ओके ओहो हो, अरे भाई मेरे को मतलब लगाने को ही डर लग रहा है, ये देखो। चलो देखते काटता है कि नहीं, क्या ना आधा से ज़्यादा पूरा जो मट्टी ना स्प्रे होके ना इसे मेरे ऊपर आ रहा है। सीमेंट का ईंट है ना थोड़ा हार्ड ज़्यादा है, पर फिर भी काट रहा है, देखो जरा जहाँ पर पॉइंट है ऐसे छेदा हो गया बिल्कुल एकदम, ऐसे एकदम छेदा खतरनाक, काट रहा है भाई, काटेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मेरा मुँह पर भी आ गया वो रेती छिटक के सीमेंट का। चलो भाई फिर से शुरू, लेकिन इतना मुझे लगता है ये इतना काटने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब ये साइड काटता हूँ, एक्चुअली मैं अपना आँखें बंद करके इसको काटना पड़ता है क्योंकि मेरे आँखों में आ जाएगा इस वजह से, तो पता नहीं चलता है कहाँ पर स्प्रे जा रहा है कहाँ नहीं। देखो जरा ये दूसरा साइड भी कटिंग किया, तो देखो यहाँ पर भी ऐसा गड्ढा ऐसा पूरा बिल्कुल दब गया है। लोग पहले जब मैं ईंट काटता था लोग बोलते थे कि भाई यार ये तो कच्चा ईंट है, अब तो ये बिल्कुल सीमेंट का ब्लॉक है, अब ये क्यों काट रहा है। ज़बरदस्त है यार एकदम, अच्छा लगा मुझे प्रेशर इसका, धुआंधार प्रेशर है। अभी इसको पलट देता हूँ, अभी ये साइड काटेंगे, ये साइड इधर, चलो देखते हैं कैसा काटता है। ओहो हो देखो जरा ये देखो कितना गड्ढा कर दिया एकदम, ऐसा खतरनाक एकदम गड्ढा कर दिया। एक्चुअली क्या है ना पावरफुल मशीन से पावरफुल काम करना पड़ता है। चलो अभी चारों ओर से कट गया, अभी दो और थोड़ा टाइम मारेंगे तो और कट जाएगा, मतलब और 1 मिनट में कट जाएगा,
पर मैं सोच रहा हूँ कि हर तरफ से हर कैमरा भी हर एंगल से दिखाना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके काट रहा हूँ। अभी फिनिशिंग एक साइड बाकी है, रहने दो, मैं इधर से आओ थोड़ा मारता हूँ इसको पहले, और थोड़ा कटिंग कर लेता, दबा लेता हूँ अंदर, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल लाइन बन चुका है ना। अब जब मैं सीधा प्लेन जगह पर मारूंगा तो मेरे ऊपर ही आता है छिटक के, अगर मैं इसे लाइन जगह पर काटूंगा तो फिर वो मेरे ऊपर नहीं आता, इस वजह से थोड़ा लाइन पर ही मारता हूँ, ईजिली कट हो जाने दो। शिट, मेरे आँखों में चला गया। पूरा रेजी मेरे आँखों में आ गया, ये देखो कितना कट हो गया। एक्चुअली काफ़ी मेहनत भी लगता है ये सब वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो लाइक कर दो यार। यहाँ पर बचा इसको, इतना काट लेता हूँ। वो ये पूरा पलटी मार के जा रहा है, ऐसा करूंगा मैं, ये साइड से मारता हूँ, कट कर देता हूँ। ये देखो कार का हाल देखो, जब ऐसा देखो पूरा मट्टी इसके ऊपर आ गया, पूरा पानी स्प्रे होके पूरा काला काला गंदा हो गया। चलो ठीक है, इसको भी थोड़ा प्रेशर मार देंगे बाद में। तो दोस्तों आपने देखा ये ईंट का क्या हाल कर दिया। तो दोस्तों मेरे तरफ से बिल्कुल 100% रिकमेंडेड है कि आप ये मशीन जो है ना बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही पावरफुल प्रेशर है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना कि पॉइंटेड करके कार पे नहीं मारना है। हाँ, जहाँ पर जैसे कि चक्का वगैरह टायर वगैरह ज़्यादा कीचड़ गंदा हो गया तो वहाँ पर आप पॉइंटेड करके मार सकते हो, जैसे नॉर्मली पेंट पे ऐसा मत मारना। तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के खरीद सकते हो ये मशीन, है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।